मंदसौर में जनसुनवाई में एक मामला ऐसा आया जो अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के मंदिर के आसपास लोगों द्वारा किए अतिक्रमण को हटाने और गंदगी करने वालों को रोकने के लिए दर दर भटक रही महिला कोई सुनने को तैयार नहीं। मोना हलकारा ने बताया कि मैं हलकारा गली खानपुरा मंदसौर में स्थित रघुनाथ जी का मंदिर है जिसके आसपास कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रखा है और नाली का गंदा पानी भी मंदिर के आसपास से निकास दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि अवैध कब्जा हटाया जाए और गंदे पानी की निकासी को रोका जाए, परंतु मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। करीब 2 सालों से शिकायत कर रही हूं पर कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। तहसील में भी 50 बार आवेदन दे चुकी हूं, नगर पालिका में भी कई बार चक्कर काट काट के थक गई हूं। सभी अधिकारी बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं पर आज तक कोई अधिकारी ना तो आया है और ना ही कोई कार्यवाही की गई है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे ना रघुनाथ मंदिर है, वहाँ की जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है। मंदिर की भूमि है, उधर की साइड क्या गंदा पानी निकाल के पानी छोड़ रखा है। तो मेरा यही निवेदन है कि उनसे किया जाए कि बंद करा जाए और मंदिर की जगह सेफ करी जाए। हलकारा गली खानपुरा मंदसौर। पहले भी किसी को शिकायत की थी? मैं 2 साल से परेशान हूँ, 2 साल से शिकायत कर रही हूँ, सब जगह पर सुनवाई नहीं हो रही मेरी। जनसुनवाई में पहले आ चुकी? हाँ, जनसुनवाई में भी कितनी चक्कर आ गई हूँ, 3 चक्कर आ चुकी हूँ और तहसीलदार में तो है ना 50 चक्कर जा चुकी हूँ। कुछ निराकरण नहीं हो रहा। तहसीलदार सर कहते हैं आ रहे हैं, हम सर सब सर बोलते हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, नगर पालिका में भी चली गई पर वो भी बोल रहे हैं कि आएंगे आएंगे, देख देख के सब अधिकारी चले जाते हैं पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं मेरी। मोना हलकारा मंदसौर से, PD बैरागी की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ MP की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।